हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें। हे गाइस, सॉरी इस वीडियो के लिए इतना लेट हुआ, बट क्या करूं, ये वीडियो आयरन मैन पे बेस्ड था और मैं इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यानी आयरन मैन के कट्टर फैन से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं कि टोनी स्टार्क एमसीयू में कितने आयरन मैन आर्मर बनाए हैं और कितने उन्होंने पहना है। अगर आपको सही जवाब मालूम है या गेस करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी ही गेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आयरन मैन के अल्टीमेट स्ट्रेंथ को निकालने के बाद ही सही जवाब दूंगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आयरन मैन 1 से, जिसमें उन्होंने 3 आर्मर पहना था, मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। मार्क 1 टोनी के सारे आर्मर का बेस है और मार्क 2 फ्लाइट के लिए था, लेकिन उसमें भी एक खोट निकल आई थी। वो ये थी कि वो एक सीमित ऊंचाई तक ही जा सकता था और उसके बाद वो फ्रीज हो जाता था। लेकिन मार्क 3 इन सभी प्रॉब्लम से अलग था, लेकिन टोनी ने इस प्रॉब्लम के ओवरकम करते हुए मार्क 3 को बनाया, जिसमें फ्लाइट के साथ साथ वेपन भी भरे पड़े थे। गुलमेरा के इस सीन में जहां वो एक वॉल पे पंच करते हैं और इस आदमी को बाहर निकालते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आपको ये सीन तो याद ही होगा, जहाँ पर वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और आसपास एक क्लाउड फॉर्म होता है, यहाँ पर वो सुपरसोनिक हो जाते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्हें मिनिमम 1277 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए, और इस बात को आगे सीन में प्रूव भी किया है उन्होंने। जब दो F-22 राफ्टर्स उनके पीछे पड़ते हैं तब वो उनसे आगे रहते हैं, यानी कि उनकी स्पीड उनसे ज्यादा थी। और मैक्सिमम स्पीड जो F-22 राफ्टर्स तय कर सकते हैं वो 2410 किलोमीटर पर आवर है। उसी मूवी के लास्ट में जब आयरन मैन और आयरन मॉन्गर लड़ रहे होते हैं तो टोनी इस कार को लिफ्ट करते हैं, जो कि ऑडी Q7 है, जिसका वेट है लगभग 2410 किलोग्राम, और अगर अंदर बैठे एक औरत और 4 बच्चों को जोड़ दे तो नहीं भी तो इस गाड़ी का वजन 2600 किलोग्राम तक होगा ही। अब आते हैं आयरन मैन 2 के स्टार्टिंग में, जहां हम आयरन मैन को मार्क 4 पहने हुए देखते हैं, और मार्वल का शुक्रिया कि उन्होंने एक पोस्टर निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि मार्क 4 3 टन तक उठा सकता है और 2414 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। इसके बाद हम रेस ट्रैक वाली सीन पे आते हैं, जहां पर हम पहली बार मार्क 5 को देखते हैं, जो कि आयरन मैन का पहला पोर्टेबल सूट भी होता है, जिसे पहनते ही वो एक कार को किक करते हैं और वो कार बहुत दूर तक जाता है। ये कार BMW 3E90 है, जिसका कर्व वेट 1800 किलोग्राम है, और क्योंकि हम जानते हैं कि वो 3 टन तक उठा सकते हैं तो उनके लिए तो ये आम बात होगा। आयरन मैन 2 के लास्ट में हम देखते हैं कि मार्क 6 अपने पंच से हैमर के रोबोट्स की धज्जा उड़ा देता है, और ऐसा करने के लिए उनके हाथों में टन्स ऑफ फोर्स लगने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एरिया ऑफ इंपैक्ट कम है। क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हैमर के रोबोट्स किस मेटल से बने हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन एवेंजर्स के इस सीन में जहाँ थॉर और आयरन मैन लड़ रहे होते हैं, तो आपको याद होगा कि जब वो थॉर को किक करते हैं तो वो थॉर एक पेड़ से जाके टकराता है और पेड़ 2 भाग में बट जाते हैं, और ऐसा करने के लिए टोनी स्टार को नहीं भी तो 35 टन्स ऑफ फोर्स से मारना था थॉर को। अब आते हैं आयरन मैन 3, जिसमें उन्होंने मेनली मार्क 42 पे फोकस किया था, जिसकी खास बात ये थी कि उनके पार्ट्स कहीं से भी उड़कर टोनी स्टार के पास आ सकते थे, लेकिन आयरन मैन के स्ट्रेंथ का क्रेडिट इगोर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, इगोर भले ही कुछ सेकंड के लिए आया था, लेकिन अगर आपको याद होगा तो वो पूरे क्रेन सिस्टम को अपने कंधे पे लिया हुआ था। ये सीन एक्चुअली में पोर्ट ऑफ विलिंगटन में फिल्माया गया था। अगर मैं इस सीन में एडिशनल ह्यूमंस और सामान के वेट को हटा भी दूं, तो इस पूरे क्रेन सिस्टम का वेट नहीं भी तो 2000 टन्स होगा, यानी कि इगोर अपने कंधे पे 2000 टन्स तक उठा के रखा हुआ था। लेकिन अगर आयरन मैन 3 मार्क 42 पे ज्यादा फोकस थी, तो ऑब्वियसली मार्क 42 में कुछ तो खास होगा ही, और वो खास बात थी उसकी स्पीड प्लस एडिशनल फीचर्स। आयरन मैन 3 एंजॉय करने के चक्कर में आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा कि मार्क 42 आयरन मैन के पिछले सारे सूट के स्पीड के रिकॉर्ड तोड़ चुका था। एड्रिच किलियन ने जब टोनी को बंदी बनाकर मियामी में रखा था, तो उनकी वॉच बीप करना शुरू करती है, और तभी वो पूछते हैं, बाल बता, बाल की दुकान, टेनेसी और मायामी के बीच कितने मील की दूरी है? 832 मील। पक्का मालूम है? मैं इसमें माहिर। यहाँ पर बीप एक इशारा था कि उनका आर्मर अब उनके पास उड़कर आने जितना चार्ज हो चुका है,
और तनाजी और मियामी के बीच का डिफरेंस था लगभग 832 miles। और अब हम यहाँ स्पीड निकालने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। टोनी के राइट हैंड के रिपल्सर टनीसी से मियामी आने में 2 मिनट का टाइम लेते हैं, और अगर हम इसे ऑनलाइन स्पीड कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें ताकि एग्जैक्ट वैल्यू मिले, तो 2 मिनट में 832 miles ट्रैवल करने के लिए उसका स्पीड 40,169 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए था। पर टोनी का पूरा आर्मर आते आते 3 मिनट 30 सेकंड लगे थे, और अगर हम इसे कंसीडरेशन में ले तो मार्क 42 का अप्रोक्सीमेटली स्पीड 23,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड बता रहा था। बट यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि टोनी की आधी आर्मर स्टोर रूम में बंद थी, और जब उस बच्चे ने उसे जाके तोड़ा तो वो आर्मर वहाँ से निकल कर मियामी आने में 1 मिनट लेते हैं, और उस हिसाब से सोचे तो उस आर्मर का स्पीड 80,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड दर्शाता है। इसके बाद हम आते हैं आयरन मैन की असली ताकत की ओर, जो कि एवेंजर्स 2 में दिखी हल्क बस्टर के रूप में। अगर आप वायर्ड वेबसाइट की बात को माने तो टोनी इस सीन में हर पंच में 2000 न्यूटन्स ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर रहे थे, लेकिन गाइस ये भी टोनी की असली स्ट्रेंथ नहीं है। एवेंजर्स 1 के इस सीन में ब्रूस बैनर हल्क बनते ही एक पंच में इस चितौरी शिप को रोक देते हैं, और ऐसा करने के लिए वो सिर्फ 2000 टन्स ऑफ फोर्स यूज करते हैं। और अगर आप इस पंच और एवेंजर्स 2 में हल्क बस्टर और हल्क के पंच से कंपेयर कीजिएगा तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, क्योंकि एवेंजर्स 1 के इस पंच में साइड में कोई भी साउंड वेव क्रिएट नहीं हुआ था जिसके वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन एवेंजर्स 2 के इस सीन में जब वो एक दूसरे को पंच करते हैं तो आसपास एक वेव निकलता है जिससे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, और ऐसा करने के लिए नहीं भी तो 4000 टन्स ऑफ फोर्स दोनों साइड से लगने चाहिए थे। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने हल्क के स्ट्रेंथ को निकाला है, जिसमें मैंने ये भी बताया कि वो 3,773 टन्स ऑफ फोर्स से ज्यादा एग्जर्ट कर सकते हैं, तो आपको ये बात मानने में कोई हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर उन्होंने 4,000 टन्स ऑफ फोर्स अप्लाई किया होगा, क्योंकि हल्क यहाँ पर एक तो दौड़ कर आ रहा था, ऊपर से हल्क बस्टर ने जब हल्क का पंच सहा तो वो हिला तक नहीं, क्योंकि वो गुस्से में भी था और दौड़ते हुए जा रहा था, और वेलोसिटी का भी प्लस पॉइंट उसके पंच में जुड़ चुका था। और हल्क जब 4000 टन से भी ज्यादा का फोर्स सप्लाई कर रहा है क्योंकि वो गुस्से में है प्लस उसके पास वेलोसिटी का प्लस पॉइंट है, तो हल्क बस्टर ऑब्वियसली उससे ज्यादा अप्लाई कर रहा होगा, तभी तो वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तो गाइज ये था आयरन मैन का स्ट्रेंथ लेवल। हल्क बस्टर आर्मर पहनकर टोनी 4000 टन ऑफ फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं और वो 10,000 टन तक उठा सकते हैं। मार्क 42 की स्पीड लिमिट 23,000 से लेके 80,000 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहती है, पर चूंकि टोनी इन्फिनिटी वॉर में ब्लीडिंग एज आर्मर में नजर आ रहे हैं और बहुत से फैंस ने थानोस के हाथों पंच खाते देख और ये सीन देख डाउट पे आ गए हैं कि क्या वो थानोस के सामने टिक पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है, टोनी के आर्मर को हमेशा मोस्ट साइंटिफिक वे में दिखाया गया है, और रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जिसके मदद से टोनी ऐसा कर सकते हैं, और वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स। नोट कीजिएगा, टोनी का आर्मर हमेशा की तरह गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से ही बना होगा, जो रियल वर्ल्ड में स्टील से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है अगर हम राइस यूनिवर्सिटी के इन छात्रों की बात को माने। अब आपको मैं विस्तार में बताऊंगा कि कैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स की मदद से टोनी ने अब तक का अपना बेस्ट आर्मर बनाया है। आप सबको तो पता ही है कि टोनी का ब्लीडिंग एज आर्मर स्पेस प्लस मनचाहे वेपन बना सकता है, चाहे वो बड़े बड़े ब्लास्टर ही क्यों ना हो या फिर दोनों हाथों से ट्रेलर में दिखाए गए जैसे कैनन। बट क्या आपको पता है कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये पॉसिबल हो पाया है न्यूरोकाइनेटिक यूजर कंट्रोल मॉर्फोलॉजी नैनो पार्टिकल बंडल्स की वजह से। और खास बात ये है कि इस आर्मर में मौजूद नैनो मशीन्स एक लेयर बनाते हैं टोनी के स्किन के ऊपर, जो कि एक ढांचे की तरह काम करती है उनके आर्मर को बनने में, और उनके ऊपर एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी ऐड हो सकते हैं। इतना ही नहीं, टोनी चाहे तो अपने आर्मर के लेयर को रिफ्लेक्टिंग मेटल की तरह यूज कर उनके ऊपर अटैक हो रहे बीम्स को डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। और तो और, जब तक टोनी के आर्क रिएक्टर में पावर है उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब भी उनकी सूट डैमेज होगी वो आर्क रिएक्टर के एनर्जी को यूज करके नैनो मशीन उसे फिर से रिजेनरेट करके उसे ठीक कर देगी। अगर मैं सीधे शब्दों में अपने बातों का मूल निकालूं तो टोनी के अटैकिंग स्किल्स में लेजर, एनर्जी ब्लेड, बड़े कैनन्स और उनका क्लासिक हाथों में फिक्स रिपल्सर्स है, और सेल्फ डिफेंस के नाम पर उनकी शील्ड
एक डिफ्लेक्टिव शील्ड के जैसा काम कर सकती है। प्लस चूंकि ये आर्मर उनके माइंड से कंट्रोल होता है, लड़ते लड़ते उनके दुश्मन के पैटर्न को समझकर उनका काउंटर तैयार करना उस सूट में ऑलरेडी फीडेड है। ओवरऑल देखा जाए तो कॉमिक्सी की तरह मूवी में भी टोनी का ब्लीडिंग एज आर्मर का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है। हल्कबस्टर और इगोर को छोड़ दें तो बाकी सारे आर्मर का ऑन एवरेज लिफ्टिंग कैपेसिटी 100 टन तक है, तो उस हिसाब से ब्लीडिंग एज आर्मर भी नहीं भी तो 100 टन से ज्यादा तो उठा ही सकता है। प्लस ब्लीडिंग एज आर्मर की फ्लेक्सिबिलिटी, उसके यूनिबीम की ताकत हल्कबस्टर के यूनिबीम से बहुत ज्यादा है। अब आती है बारी उस सवाल के जवाब देने की जो मैंने अपने पिछले वीडियो में पूछा था और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी। तो उसका जवाब है, टोनी ने होमकमिंग तक 47 आर्मर्स बनाए थे और उसमें से उन्होंने सिर्फ 16 आर्मर ही पहने थे। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैं उसे एक बार यहाँ पे गिन देता हूँ। आयरन मैन 1 में गुफा में उन्होंने फर्स्ट टाइम मार्क 1 पहना था, उसके बाद फ्लाइट चेक करने के लिए उन्होंने मार्क 2 पहना था और मूवी के लास्ट में उन्होंने मार्क 3 पहना था। आयरन मैन 2 के स्टार्टिंग में वो जिस सूट को पहनते हैं वो मार्क 4 होता है और रेस ट्रैक में जिस सूट के साथ नजर आते हैं वो मार्क 5 था। मूवी का एंड आते आते वो मार्क 6 में नजर आते हैं। एवेंजर्स ने भले ही वो हमें 2 आर्मर में नजर आए, लेकिन पहली बार जिस आर्मर में नजर आते हैं वो मार्क 6 है, तो उसे हमें काउंट नहीं करना है। इसलिए एवेंजर्स में वो सिर्फ एक नए सूट को पहनते हैं जो कि मार्क 7 था। अब आती है बारी आयरन मैन 3 की, जिसमें उन्होंने 34 आर्मर्स दिखाए थे लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही पहना। आयरन मैन 3 में उन्होंने मार्क 42 को बहुत बार पहना था। मूवी के लास्ट फाइट सीक्वेंस में उन्होंने जो पहला सूट पहना था वो था मार्क 33। इसके बाद हम उन्हें मार्क 16 AKA नाइट क्लब पहनते हुए देखते हैं और लास्ट में वो शॉटगन AKA मार्क 40 पहनते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस पे गौर नहीं किया था तो मैं बता दूं कि ये मार्क 7 है, जिसे हमने एवेंजर्स 1 में ही काउंट कर लिया था। एवेंजर्स 2 की स्टार्टिंग में वो मार्क 45 पहनते हैं, उसके बाद वो हल्कबस्टर पहनते हैं जो कि मार्क 44 होता है और मूवी के लास्ट में वो मार्क 45 पहन के लड़ाई करते हैं। इसके बाद वो सिविल वॉर में मार्क 46 पहने हुए नजर आए और लास्ट में हमें होमकमिंग में उन्होंने मार्क 47 पहना हुआ था। फिर भी अगर आपको मेरी गिनती, कैलकुलेशंस या थ्योरी में किसी में भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।